नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, अभी एक वीडियो एंड करी और अभी फिर से स्टार्ट कर दी. फील्स वियर्ड, बट नाउ वी आर स्टिल इन डेनमार्क. अपनी डेनमार्क की जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग. एंड अभी अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो डू वॉच इट, आई विल टैग इट समवेयर हियर. एंड अगर आप वो वॉच करेंगे तो दिस वीडियो विल मेक मोर सेंस. एंड अब हम जा रहे हैं कुछ खाने कहीं पे, फाइंडिंग अ प्लेस टू ईट. सो स्टे ट्यून विद अस एंड वील शो यू कितने क्या प्राइजेज है यहाँ पे खाने के. नॉर्वे से सस्ता है, महंगा है, चल क्या रहा है डेनमार्क में. एंड मेरे साथ और कौन है? अरविंद एंड डेनमार्क के घर नॉर्वे के घर से बहुत अलग है. यहाँ पे घर कंक्रीट के है, नॉर्वे में लकड़ी के घर होते हैं. अरविंद, क्या विचार है इन घरों के बारे में? सबसे पहले तो ये जो सिटी है, ये है जी हिर्थशाल की सिटी. यहाँ से भी जो है फेरी नॉर्वे के लिए डायरेक्ट जाती है, बट वो आई थिंक क्रिस्टियानसन और लार्विक जाती है. हमने ये वाला रूट नहीं लिया, बट यहाँ पे हम रुकेंगे. हम अपना डिनर यहाँ कर रहे हैं, कल हमारी फेरी है बैक टू गोथेनबर्ग. और घरों के बारे में बात हो तो हाँ, ये कंक्रीट स्टाइल के घर हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं, जो कि इंडिया में भी इसी तरीके के घर होते हैं. आई डोंट नो ये इंसुलेशन ये लोग कैसे करते हैं, बट ये बहुत ही ब्रिटिश काइंड ऑफ आर्किटेक्चर है. चलिए गाड़ी को पार करते हुए लेट्स गो एंड हैव सम फूड. देखिए कितना प्यारा सा वो है. लगभग रात के 8 बज चुके हैं और पूरा छोटा सा टाउन है, कोई भी नहीं है यहाँ पे. हम भी लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, पर बहुत क्यूट सा टाउन है. आई विल जस्ट शो यू अराउंड. This is the town. अब हम बस ढूंढ रहे हैं कहाँ जाना है हमें खाना खाने. ऑर्डर करा है हमने पिज्जा. जम जम लाइफ ऑफ अ प्रोफेसर, मीटिंग अटेंड कर रहा है अरविंद छुट्टियों पे भी. टूट जाओ फिर इस पे. प्राइजेस ऑलमोस्ट सेम है. Yuvi, who is more beautiful, Mama or Ava? Wow, Mama is that. Ava is Abu, happy girl. Oh, Yuvi giving compliments. Good boy. That's the thing, Mama, I love you the most. पिज्जा खाने के बाद अब हम सब लोग बहुत थक चुके हैं क्योंकि रात हो चुकी है ऑलमोस्ट. और अब चलते हैं अपने एयरबीएनबी और आपको भी दिखाते हैं कैसा है. फाइनली मेड इट टू आवर रूम. आपको जल्दी से टूर दे देते हैं बिफोर इट गेट्स डर्टी. दिस इज द वॉशरूम हियर. दिस इज लिविंग रूम एंड दे पुट टू एक्स्ट्रा बेड्स हियर. ये है जी किचन, डाइनिंग टेबल, बेडरूम नंबर 1. क्लीन, नाइस, कोजी. कबर्ड भी है. एक व्यू यहाँ से भी दे देते हैं आपको. यू जस्ट रीच्ड. अभी टाइम शायद 9:30 हो चुके हैं रात के. ये है दूसरा रूम. Here it is. Good morning guys. आज है day 2. कल हम सो गए थे, बहुत टायर्ड हो गए थे. सो अभी वही सेम रूम में जहाँ पे कल रात को पहुँचे थे. और अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है. तो गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट. आपको दिखाती हूँ क्या 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 मिल रहा है ब्रेकफास्ट में. परांठे नहीं मिल रहे, बट आई विल शो यू. सो ये है किचन एरिया जहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व हो रहा है. आई थिंक ये किसी का घर है जिसमें उन्होंने एयरबीएनबी बनाया है, जैसे मोस्टली लोग करते हैं. यहाँ पे जूस है, वॉफल है, फ्रूट्स, जैम, एग्स वगैरह सर्व हो रहे हैं इस एरिया में. और यहाँ बैठ के हम लोग अपना ब्रेकफास्ट खाएंगे. अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या मिल रहा है. आपको ये भी दिखा देती हूँ. बहुत कोजी सी जगह है, बहुत ही अच्छा लगा हमें ये जगह. यहाँ पे अंदर और ज़्यादा ब्रेकफास्ट सर्व हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं सिर्फ हम ही लोग हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे ब्रेड्स मिल रही है इस एरिया में. यहाँ पे है थोड़ा सलामी, चीज़, थोड़े खीरे और टमाटर भी रखे हैं अगर आपने सैंडविच बनानी है. और आगे है सीरियल्स है, दूध अलग अलग टाइप के रखे होते हैं जैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि कई लोग दूध से एलर्जिक होते हैं तो ओट मिल्क वगैरह भी होता है, राइस मिल्क, ओट मिल्क. सो अब चलते हैं और खाते हैं जी अपना ब्रेकफास्ट. और थोड़ा फिर ब्रेकफास्ट.
रेडी फॉर न्यू डे न्यू प्लान? यस। आज का क्या प्लान है, कौन बताएगा? मी। I'm asking, my plan is to go to the playground and have some fun with my little brother Yubi. Let's start with him. Now it's your turn. आज क्या करना है यूवी, बताओ। भागना तो जरूरी है। कंपटीशन भी करना है। और रियल प्लान कौन बताएगा? हम जा रहे हैं आज स्कीइंग ब्यूटीफुल बीच पे। वहाँ पे दो सीस मिलती हैं और उनका दोनों का डिफरेंट कलर है, आज हम वो देखेंगे। नाम क्या सीस का? बाटिक एंड नॉर्थ सी। फैक्ट चेक। ओके, कहाँ जा रहे हैं हम? हम जा रहे हैं स्केन के सबसे सुंदर बीच में और वहाँ पे हम देखेंगे दो सीस को मिलते हुए और ये डिफरेंट कलर्स। कहाँ बैठे हैं अभी हम? हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट समझ लो, बड़े ट्रैक्टर के साथ बस जुड़ी हुई है। वेरी इनोवेटिव एंड गुड फॉर अ फैमिली पर्सन लाइक अस जिनके बच्चे चलना नहीं चाहते। तो अभी चले हुए जी इसमें। तो यहाँ पे कि डॉल्फिन मरी हुई थी ऑलरेडी, यहाँ पे पूरा डॉल्फिन पड़ी है बीच पे, पर अब कोई आएगा इसको लेके जाएगा यहाँ से। हमारे बच्चे कहाँ हैं? रोने की आवाज़ जा रही है वहाँ। हमारे बच्चे ये पहुँच रहे हैं जी नदर मोस्ट टिप ऑफ डेनमार्क। शिप्स ट्रैक्टर की राइड कैसी थी? वेरी हैं? तो वापस उसी में जाएंगे? यस, वी बॉट अ रिटर्न टिकट आल्सो। कितने की थी? 100 फॉर 4 टू बॉक्स इन एंड टू बार। ओके, तुम लोग पानी में जा रहे हो? इसमें मना किया हुआ है? मना के थैंक्स। मैं तो कपड़े लेके आया था, पानी में बारिश। बट हम डिप करेंगे। हम डिप कर सकते हैं बट मत करो, इट्स वेरी कोल्ड यार, तब तुम लोग ठंड से काम करोगे। जबरदस्त जगह है ना। Now heading back to the town जहाँ से हम आए थे। हमारी फेरी है वापस नॉर्वे की 2 घंटे में, तो सोचा एक लास्ट टाउन यहाँ पे कुछ शॉपिंग कर ले। एक चीज़ जो हमने नोटिस करी अबाउट दिस टाउन की यहाँ की सारी बिल्डिंग्स सब कुछ येलो है। हमें रीज़न नहीं पता, अगर आप कहीं आस पास रहते हैं या डेनमार्क में रहते हैं और आपको रीज़न पता है तो डू कॉमेंट बिलो और हमें भी बताइएगा कि ये पूरा टाउन येलो क्यों है। लास्ट के 20 मिनट्स डेनमार्क स्कागन में, इसके बाद हमारी फेरी है और हमारे होस्ट जो कि सुपर होस्ट हैं और ये मेरी धर्म पत्नी शैलजा, मेरा मित्र, मेरी आदरणीय भाभी जी। कितनी रेटिंग दोगे तुम लोग हमें? कितने में से? 5 में से 10। 4.9 पॉइंट। और ये है गुप्ता परिवार का वंश। गुप्ता परिवार का वंश देखिए। और ये है एवा के प्रेत। बहुत ही मजा आया वैसे। बहुत मजा आया। ओके, मजा आया। 4 दिन हमने बहुत ही मजे किए। अ ब्यूटीफुल सिटी, अ ब्यूटीफुल डे। और यहाँ से अब हमने जाना है फ्रेडरिक्सहावन, जहाँ से हमारी फेरी है लगभग 1.5 घंटे बाद। तब तक हमने सोचा लास्ट ट्रिप आपको सिटी दिखा देते हैं। खाली जनता, मोस्टली ओल्ड पीपल है। सिटी इज वंडरफुल। और ये बच्चे कलाकारियां करते हुए। गुप्ता जी बहुत तेज हैं, छोटे से गुप्ता जी। ये जो अपनी छोटी सी सिटी है स्कागन, ये याद दिला रही है हेलिंगस्वार जो कि लोफोथन में है। तो आप लोगों ने अगर हमारे लोफोथन वाले व्लॉग्स नहीं देखे तो वहाँ पे एक व्लॉग में हम हेलिंगस्वार गए थे जो कि नॉर्थ ऑफ लोफोथन में था, तो वो भी बिल्कुल ऐसी ही सिटी थी, इतनी ही सुंदर। और ऑल्दो आज मंडे है, ईस्टर मंडे,
हर जगह मोस्टली द मार्केट इज़ क्लोज्ड, बट यहाँ पे सिंस ये एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है द शॉप्स आर स्टिल ओपन. तो प्राइसेस चेक करते हैं ज़रा, इसका प्राइस कितना है. ये है जी, मैं बताऊँ आपको, 600 डेनिश क्रोन्स, मतलब नॉर्वेजियन में 750 या 700 के आसपास. तो मतलब 6-7 हज़ार की जैकेट आई थिंक इतनी मिलती है. और मेरे पीछे का नज़ारा भी आप देख सकते हैं. सो इट्स अ वंडरफुल प्लेस, अच्छा है. अगर आप आएँ कभी नदर्न मोस्ट टिप ऑफ डेनमार्क देखने, तो इस शहर में आप पक्का आएंगे. स्कागन, SKAGEN, आई मीन प्रोनंसिएशंस कैन बी डिफरेंट बट स्पेलिंग इज़ द सेम. तो ये है ब्यूटीफुल शहर. दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ इसलिए क्योंकि 50 लाख में सब कुछ, मतलब 380 लाख में मैंने बहुत ज़्यादा सामान लिया, जबकि एक्चुअल था 2000 से भी ज़्यादा. सो नथिंग मेक्स मी हैप्पी देन गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विद अ गुड प्राइस. भाई की जैकेट देखो, कमेंट में डाउन करें इसकी कैसे बहुत अच्छी. देखो ये सिर्फ 50 करोड़ की जैकेट है, तो जस्ट 500 bucks एक्चुअली. ग्लैड नाउ, हैप्पी एंडिंग, दिस इज कॉल्ड हैप्पी एंडिंग. किससे अच्छी एंडिंग नहीं हो सकती. Happy ending, yeah. Happy ending. और ये स्टोर जो था ये खाली करे क्लीयरेंस सेल थी. Generally girls are happy, but today I'm shopping time. Okay guys, so it's time to say goodbye. Let's end the vlog. And okay, bye bye and thank you for Chubby's about to fly. From Denmark. No, still from Denmark, Chubby. और जल्दी ये. And thank you for hosting us. We had a lovely time. You guys made like Denmark memorable. Bye bye. We will miss you. We will miss. Bye Arvind. Okay. Oh sorry. Okay. Bye you. Okay, bye bye. Bye bye. Namaste from Denmark. Okay, hada.